माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक्चुअली जब क्या होता है कि हम अपने बच्चे को टिफिन देते हैं ना, तो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आज क्या नया बनाएं, क्योंकि अगर कुछ नया और क्रिएटिव नहीं देंगे ना, तो वो बच्चे अपना खाना फिनिश नहीं करेंगे और भूखे ही वापस आ जाएंगे। और एक माँ के लिए बच्चे का भूखा रहना, समझ सकती हूँ, बहुत दुख होता है। सो आज मैं आपके साथ एक सैंडविच की रेसिपी शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब वो सैंडविच बनाएं, तो उसमें जो आपका बच्चा नखरे करता है सब्जियां खाने में, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, बच्चा टिफिन भी पूरा खत्म कर ले और स्वादिष्ट भी लगे उसको। सो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि कैसे बनने वाला है सैंडविच। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। ये मैंने ले ली है सैंडविच की ब्रेड, जो थोड़े बड़े साइज की होती है, जिसको काटने के बाद थोड़ा सैंडविच का साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद मैंने ले लिया वेजीज में, ये है कुकुम्बर और कैरेट। अभी ये हम रॉ यूज करेंगे, बिकॉज ये इसका टेस्ट रॉ ही बहुत अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है बेल पेपर, ले लिए हैं येलो, ग्रीन एंड रेड। अब इसका ये है कि अगर आप इसको चाहो तो आप इसको बटर के साथ थोड़ा सॉटे भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको रॉ रखना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब ये टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में कैसा टेस्ट खाया जाता है। मैं इसको थोड़ा बटर में सॉटे करूंगी। उसके बाद ये हरी चटनी जो मेरे पास बनी हुई रखी थी, वो मैं यूज कर रही हूँ। इसमें मैंने यूज किया है हरा धनिया, हरी मिर्च और हरा टमाटर, नमक, दैट्स इट। इसके बाद ये मैंने ले लिया है काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर आप ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे को तीखा नहीं पसंद है और नहीं डालना चाहते तो आप मत भी डालिए, आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, बट ब्लैक पेपर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये मैंने ले लिया है मोजरेला चीज। प्रोसेस चीज भी आप यूज कर सकते हैं, बट ये जब मोजरेला चीज जब पकने के बाद थोड़ा स्ट्रेच होता है, खींचते हैं, मतलब खाने के टाइम पे जब खींचता है ना, तो बड़ा मजेदार लगता है। और ये है मेयोनीज, ये मैंने मेयोनीज ले ली है। अब मैं इन सबको मिक्स करूंगी और एक मिक्सचर बनाऊंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे हमारा कुकुम्बर और कैरेट। ये हमने कुकुम्बर और कैरेट डाल लिया है। अब हम अपनी सॉल्टेड कैप्सिकम भी डालेंगे। इसको अगर आपको नहीं करना है बटर में सॉटे नहीं करना है तो मत कीजिए, ये रॉ भी अच्छा लगता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मोजरेला चीज, जो अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि जब बाद में ये खिंचेगा ना खाते वक्त, तो बच्चे को मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। और बच्चे क्यों, बड़े भी खा सकते हैं यार, डाइटिंग रोज रोज करना जरूरी नहीं होता है। अब इसके बाद इसमें मैं डालूंगी हमारे ब्लैक पेपर। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर, आप कितना तीखा खाते हैं, कम तीखा, ज्यादा तीखा। ब्लैक पेपर नहीं चाहिए तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, पर ब्लैक पेपर का टेस्ट ही डिफरेंट आता है। अब इसमें ऐड किया जाएगा हमारा मेयोनीज। ये हमने अपना मेयोनीज भी इसमें ऐड कर लिया है, और अब देखिए कि ये थोड़ा सा स्टिकी सा ग्रेवी, स्टिकी सा स्टफिंग आपको दिखने लगा होगा। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट। सॉल्ट का अगेन मैं हर बार कहती हूँ, ये आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में ज्यादा खाया जाता है, कम खाया जाता है, बट केयरफुल रहना, क्योंकि इसमें हमने चीज भी ऐड किया है जो ऑलरेडी सॉल्टी होता है, और मेयोनीज भी थोड़ा सॉल्टी होता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ज्यादा मत डाल दीजिएगा। अब ये हमारे प्यारा सा स्टफिंग बन गया है। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ एक ये हमारी ब्रेड, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड करनी है हमारी चटनी। तो ये हम ले रहे हैं सबसे पहले अपनी ब्रेड। अब ब्रेड को हम सबसे पहले करेंगे चटनी लगाकर तैयार। ये देखिए, ये हमारी ग्रीन चटनी लग गई, आ हा हा, अभी से ही देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है फ्रेंड्स, और खाने के बाद तो मजा आने वाला है बहुत, क्योंकि ना कभी कभी हम बड़ों को भी अलाउड होता है इतना हैवी सैंडविच खाना, लाइफ में कभी कभी खा लेना चाहिए, बिकॉज बाद में रिग्रेट होगा कि हमने क्यों नहीं खाया इतना टेस्टी सैंडविच, है ना। सो ये लग गई है चटनी। अब
हम दूसरा ब्रेड का पीस लेंगे और उसमें लगाएंगे हमारा, उसमें लगाएंगे हम अपना बटर। बटर ये देखिए, सो ये हमने अपना बटर लगा के तैयार कर लिया है। और बटर आप थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हो यार, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना बटर खाने का मन कर रहा है। लाइफ में सब कुछ खाओ बट हाँ थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी हो जाती है। फिर अब ये लग गया है बहुत सारा बटर, अब बच्चों को मजा आने वाला है ये सैंडविच खा के, क्योंकि इतना बटर लगने के बाद तो आप समझ सकते हो कि सैंडविच कितना टेस्टी हो जाएगा। अब ये हमारी ब्रेड्स हो गई तैयार। अब मैं हमारा स्टफिंग लेकर, ये जो हमारा स्टफिंग है इसको लेकर इसमें इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से मैंने अपना पूरा स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड किया, बिकॉज क्या है कि अगर स्टफिंग कम होगा ना तो जो हमारा पर्पस है हमारे बच्चों को सब्जियां खिलाने का, वो पर्पस सॉल्व नहीं होता। सो ये हमने स्टफिंग को स्प्रेड कर दिया। अब इस ब्रेड को इसके ऊपर रख दिया और अच्छे से प्रेस कर लीजिए। देखिए अब इसके दोनों साइड भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, बिकॉज जब ये हम अपने, मेरे पास फ्रेंड्स टोस्टर नहीं है इसलिए मैं ग्रिल पैन यूज कर रही हूं। अगर आपके पास टोस्टर है तो आप टोस्टर भी यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो आप किसी भी फ्राइंग पैन या डोसा तवा किसी के ऊपर भी इसको पकाने रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सैंडविच के ऊपर का बटर लग के तैयार। अब दूसरे साइड में सैंडविच को पैन के ऊपर रखने के बाद लगाऊंगी। ये मैंने लगा दिया पैन के ऊपर सैंडविच हमारा, ये मैंने गरम कर लिया था हमारा पैन, थोड़ा ज्यादा गरम हो गया था इसलिए मैंने गैस ऑफ किया हुआ था। अब ये इसमें पकना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ भी इसमें बटर लगाने वाली हूं, ताकि खाने के टाइम पे बटरी बटरी सैंडविच खा के मजा आ जाए। और बस इस तरह से आपको इसको दोनों साइड से पका लेना है अच्छी तरह से, क्रिस्पी क्रिस्पी, और गरम गरम बच्चों को खाने के लिए दे देना है, या तो उनके टिफिन में पैक कर देना है। अगर बच्चों को सॉस खाने का शौक है तो आप इसके साथ टोमेटो सॉस भी दे सकते हैं। इसके साथ आप हरी चटनी भी दे सकते हैं, या और अगर कोई ऐसी चीज है जो बच्चे टोस्ट के सैंडविच के साथ खाना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पर्पस था सब्जियां खिलाने का वो तो सॉल्व हो गया है। पम्मी, हाँ बेटा, क्या बना रहे हो? आपके लिए सैंडविचेस बन रहे हैं। वाओ, कितना बड़ा ब्रेड है। मजा आएगा ना खाने में? हाँ। पूरा फिनिश करोगे? हाँ। गुड बॉय, पूरा फिनिश करके मुझे दिखाना, ठीक है? हाँ ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सैंडविच लेके आती हूँ। ठीक है। यम, बहुत टेस्टी और हेल्दी सैंडविचेस है फ्रेंड, जरूर ट्राई करना।